माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग इतनी बातें करते हैं, सरकार इतने सालों तक चलाई है, मैं नहीं मानता हूं उनको किसानों की दिक्कत का पता नहीं था या उनको समझ नहीं थी। पता भी था, समझ भी थी, और उनको मैं उन्हीं की बात आज याद कराना चाहता हूं। ये मौजूद नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन देश के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं एक कोट पढ़ता हूं, द स्टेट टूक इनिशिएटिव टू अमेंड देयर स्टेट एपीएमसी एक्ट इन द ईयर 2005 इटसेल्फ, प्रोवाइडिंग फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेटिंग अप ऑफ ए प्राइवेट मार्केट, कंज्यूमर फार्मर मार्केट्स, ई ट्रेडिंग, एंड नोटिफाइड द रूल्स इन 2007 टू इम्प्लीमेंट द एमेंडेड प्रोविजन। इन फैक्ट 24 प्राइवेट मार्केट्स हैव ऑलरेडी कम अप इन द स्टेट। ये किसने कहा था? ये एपीएमसी एक्ट बदल दिया है, इस बात को कौन गर्व से कह रहा था? 24 ऐसे बाजार बन चुके हैं, इसका गौरव कौन कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शरद पवार जी गर्व की बात कर रहे हैं, ये उनका कोर्ट में कह रहा हूं। अब आज एकदम से उल्टी बात कर रहे हैं, और इसलिए शक होता है कि आखिरकार आप किसानों को भ्रमित करने के लिए रास्ता क्यों चुना है। देश की मंडियां चल रहे हैं सिंडिकेट और कीमतों को प्रभावित करने वाले नेक्सस में के बारे में जब उनको पूछा गया, उनको एक सवाल पूछा था कि ये नेक्सस है मंडियों वालों वगैरह का, तो क्या कहना है? तो शरद पवार का एक दूसरा जवाब है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था, किसानों के बचाव के लिए ही तो एपीएमसी रिफॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि किसानों को एपीएमसी मंडियों का विकल्प मिले। जब ज्यादा व्यापारी रजिस्टर होंगे तब स्पर्धा बढ़ेगी और मंडी में सांठगांठ इससे खत्म होगी। ये बात उन्होंने कही है, और इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों को हमने समझना होगा। जहां इनकी सरकारें हैं अलग अलग, जो सामने बैठे हुए मित्रों की, उन्होंने भी कम अधिक मात्रा में इस कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रयास किया भी है, और हम तो वो हैं जिन्होंने 1500 कानून खत्म किए थे। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं, और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव खेल बे बिगाड़ब, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा।